नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। पुरानी पचो निवासी युवकों ने सोमवार को कंजरपुरा के समीप बंदूक से गोली मारकर हिरण का शिकार किया है। कंजरपुरा निवासी युवक की शिकायत के बाद पहुंचे वन अमले की सक्रियता से दो युवकों को हिरासत में लेकर पचोर पुलिस ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार घटना में प्रयुक्त बंदूक गिरफ्तार युवक के पिता लाइसेंस पर जारी की गई। पुलिस ने फिलहाल बंदूक जब्ती में ले ली है। आज एक सूचना मिली थी कि कंजरपुरा में हिरण का शिकार हुआ है, जिस पर फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद स्पॉट पर पहुंचे, जाकर देखा तो वहां एक हिरण जो मृत अवस्था में मिला, जिसका शिकारियों द्वारा गोली मारकर शिकार कर हत्या की गई। मौके पर फॉरेस्ट विभाग को भी तलब किया गया, वो भी उपस्थित आए। उसका वहाँ पंचनामा बनाया गया, बाद हिरण का पोस्टमार्टम कराया गया और जो प्रकरण के मुलजिम थे त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण के मुलजिम आमिर खान और आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस हथियार से उन्होंने शिकार किया है वह भी सील जब्त किया गया है। इंदौर के बाड़कंकर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री में कुछ बदमाशों द्वारा ब्रांडेड कंपनियों के तेल की नकली पैकेजिंग करके उसे बेचा जा रहा था। इस बात की सूचना जब मुंबई के स्प्लिट नेटवर्क ऑयल कंपनी और प्रोटेक्ट ऑयल के अधिकारियों को लगी तो उनके द्वारा इस मामले की पुलिस को शिकायत की गई। बाड़कंकर TI नीरज बिरथरेन के अनुसार पैकेजिंग में नकली ऑयल भर कर बेचने वालों को माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा इस गिरोह के अन्य बदमाशों की भी तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये स्पीड नेटवर्क कंपनी है और प्रोटेक्ट आई पी कंपनी, इन दोनों के जांच अधिकारी कल जो है थाने पर एक ओमनी व्हीकल को लेकर और लेखी आवेदन के साथ उपस्थित हुए थे। इसमें जो है होंडा कैस्ट्रोल सुपर एक्टिव JCB इन सभी कंपनियों के जो है ऑयल के डिब्बे थे, जो कि नकली बनाकर इनके आसपास के नाम जो है रखकर नकली जो ऑयल जो है वो बेचा जा रहा था मार्केट में। इसी की उन लोगों को जब जानकारी लगी तो उनकी लीगल टीम इसके पीछे लगी और फिर इस बैंक को पकड़कर थाने लाया। इसमें जो है कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया। अभी तो एक वैन में लगभग 600 लीटर के आसपास ऑयल फुल है और ये कब से कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ये इस ऑयल को बेचने का काम करते हैं, ये सब अभी जांच में सामने आया। अभी तो वाहन चालक इसमें आरोपी है, इसके बाद जो है आगे जांच में जो भी इसके ऑयल के निर्माता हैं उन सभी को आरोप गिरफ्तारी वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। मानपुर के खुर्दा गांव से रेस्क्यू किए गए तेंदुए को इंदौर जू लाया गया है। करीब 1 साल की उम्र का तेंदुआ बिना मुंडेर के कुएं में शिकार के दौरान गिर गया, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया है कि लंबे समय तक पानी के कुएं में रहा तेंदुआ, तेंदुए के स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो वापस वन विभाग को सौंप कर रिलीज किया जाएगा। अखिल भारतीय सिविल सेवा तैराकी प्रतियोगिता वर्ष 2023-24 का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरण ताल तालक टोरा स्टेडियम नई दिल्ली में 15 से 17 दिसंबर तक हुआ है। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की तैराकी टीम की कप्तानी सारंगपुर नायब तहसीलदार सुरेश सिंह ने की है और उनके मध्य प्रदेश सिविल सेवा तैराकी टीम को 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 4 कांस्य पदक समेत कुल 11 पदक जीतकर मध्य प्रदेश राज्य को गौरवान्वित किया है। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।